ladies and gentlemen, I welcome you on behalf of Chandigarh Lalit Kala Academy to share with you yet another journey into art, artist and beyond. Every time we prepare to walk into an artist's world, I feel as if somewhere in the world a door opens to allow some new light. And today is no different. We are going to feel the light, the warmth and the simplicity of artist Rameshwar Broota and his magic wand dipped in his soul. To add more sparkle to today's event, we have with us Padma Bhushan Sri B.N. Goswami, a man of rare intellect, a celebrated public speaker, guest curator, a wonderful teacher, but most of all, what makes him this iconic is his humility. We have with us the very celebrated artist, Mrs. Vatsundara Tiwari Broota. We welcome the artist couple with happy hearts and apologizing hearts. We start with the freshness and fragrance of flowers. I request our chief guest, Sri B.N. Goswami, to present a floral welcome to artist Rameshwar Broota and Mrs. Broota. Thank you. I'm obliged. The flower for the lady with the large heart. I request Sri Bhim Malhotra, Chairman of the Academy, to give a floral welcome to our chief guest. Thank you, ma'am. Thank you, sir. To tell us more about today's event, without any errors, I'd like to invite Sri Bhim Malhotra on the dais. So, good evening, everyone. Respected Rameshwar Broota ji, Vasundhara Tiwari Broota ji, aur aaj ke hamare chief guest B.N. Goswami ji, aur shahar ke artist, art lovers, to main aap sab ka aaj ki shaam mein swagat karta hoon. Aur Lalit Kala Academy ke liye, shahar ke liye, ye ek bade gaurav ki baat hai ki aaj Broota sahab hamare beech hai. Aur आपको नहीं पता ब्रूटा साहब को हम कैसे चंडीगढ़ में लेके आए हैं. तो वो कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विन द रेस. तो वो बात है, हम काफ़ी टाइम से, मेरे ख्याल से एक साल ही हो गया, हम सर से बातचीत में लगे हुए थे. सर से बात करते थे, सर कहते थे चलो देखेंगे आएंगे. तो हम भी आगे से हमारे से फालतू बात नहीं होती थी उनके आगे, जस्ट वी कैप्ट पेशेंस. फिर काफ़ी बार ऐसे बात हुआ तो ये हमारा लक है कि ब्रूटा साहब यहाँ को आने के लिए तैयार हो गए. सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनलाइटिंग अस सर. बाकी मैंने त्रिवेणी कला संगम में मेरी बहुत सारी एग्जीबिशन हुई है, 97 से ही मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ. तो ब्रूटा साहब बड़े, इनको मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया, बड़े साइलेंस, सिंपल, सोबर. तो कई बार ऐसे होता है कि जो जहाँ काफ़ी एग्जीबिशन चल रही होती हैं तो हर एक आर्टिस्ट की इच्छा होती है कि कम से कम ब्रूटा साहब हमारे एग्जीबिशन में एक बार नज़र जरूर लगा, चक्कर जरूर लगा जाए. और कई बार ऐसे होता है कि इनकी विजिट के बगैर उनको अपनी एग्जीबिशन ही अधूरी सी लगती है. तो ये मैंने काफ़ी देखा है कि, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ब्रूटा साहब तो अपने काम में इतना मस्त रहते हैं, इनका त्रिवेणी में इनका अपना वर्ल्ड है. वहाँ पे मुझे पता चला 3-3, 4-4 बजे तक काम में लगे रहते हैं. और त्रिवेणी कला संगम की बिल्डिंग से ही बहुत कम बाहर निकलते हैं, और ये दिल्ली से चंडीगढ़ हमारे यहाँ आ गए हैं ये. तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है कि ब्रूटा साहब को हम इधर लेके आए हैं. बाकी इनके बारे में तो बड़ा ही वेरी सिंपल, नाइस, डाउन टू अर्थ. वो कितनी थोड़े से भी बहुत कुछ कह जाते हैं. तो इनका आई ओनली पेंट व्हेन आई हैव समथिंग टू से, क्या बात है, मतलब एक बात में सब कुछ कह दिया इन्होंने. तो ये इनकी पर्सनैलिटी है. ऐसे ही जैसे इनमें यूनिकनेस है, ऐसे इनके काम में यूनिकनेस है, तो जिसकी वजह से इनको सारे लोग याद करते हैं. बाकी इनकी टेक्निक, फिलोसफी, ये तो आप अभी सर दिखाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच. सो आप इनके काम को एंजॉय करिए. और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन, इंटरेक्शन करिएगा जरूर. ये हमारे लिए बड़ा गोल्डन चांस है इनका एक्सपीरियंस शेयर करने का. तो हम बाद में इंटरेक्शन सेशन भी रखेंगे, बीच में भी अगर किसी की क्वेरी है तो कर सकते हो. सो ब्रूटा सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन चंडीगढ़. थैंक यू सर. लाइफ इज अ रायट ऑफ इमोशंस.
some colored crimson like a lover's touch, some brimming with yellow for newfound happiness, and some simply wakened like the shadows dormant in the black of a long cold night. All these emotions find a vent in art. And what better than art to voice these emotions? Amongst us is a man who has gone on record with the dictum, "I only paint when I have something to say." Born in Delhi 1941, his was a family steeped in intellectual and spiritual inquiry. As old as him is his urge to draw, redraw, and draw again. This insatiable hunger would compel him to scribble, doodle, draw, and paint almost throughout the day, eating into his study time. No amount of resolutions to get serious about his education, no amount of serious shutting of the door behind him could keep him from straying. Well, it was good for us. He would draw cartoons in economics class, risking grave punishment. So it's a boon for us now. So strong was the desire to paint. This desire took him to College of Art in the capital city in the year 1964. By 1967, at the age of 26, he was leading the Triveni Art Department. It's been almost 5 decades now, and his affair with art is only growing stronger. The affair grew even deeper and more beautiful with his life partner, an artist herself. Life became double bonanza of color and canvases. The conventional brush isn't the only tool of Sri Broota's expression. The pen mouse becomes his brush or blade, and the computer's large screen his canvas when his eyes calls for a capture. The prolific artist and photographer has won love and appreciation for his works. He has been awarded and honored by various organizations, a few of them being the Lifetime Achievement Award by Lalit Arpan Festival Aswari, New Delhi in 2013, the Kala Vibhushan by the All India Fine Arts and Crafts Society, New Delhi, 1997, the National Award by Lalit Kala Academy, New Delhi, 1980, 1981, and 1984, the Senior Fellowship from the Ministry of Education, Government of India, 1987, 1988, and the list is very long and I don't want to take so much time, so I'll move forward. Brotaji's works are housed in leading collections in India and abroad, including the National Gallery of Modern Art in New Delhi, the Rashtrapati Bhavan, several Lalit Kala Academy collections across India, a number of educational and other institutions. Some of the prominent international collections include the Joseph Broz Tito Museum in Yugoslavia. His works are a part of various private collections in India, US, Germany, Switzerland, United Kingdom, France, Mexico, Sweden, Dubai. I think there is no corner of the world where his paintings don't adorn the walls. He was meant to be an artist, for nothing in nature is accidental. It's all premeditated. As he says himself, "My discovery was simply a maturing of my toil. The visuals already pre-existed in my mind." Ladies and gentlemen, please put your hands together for the artist, Sri Rameshwar Brotaji. Sir, the stage is waiting for you. बात ये मेरा शायद ये फर्स्ट चांस है कि मैं स्टेज पर बैठा हूँ और मैंने इनको कहा था मैं कभी नहीं बैठता मैं पब्लिक में बैठता हूँ लेकिन वो कुछ ना कुछ करते करते मुझे बिठा ही दिया एनीवे बहुत तारीफ की जो कि ज़रूरत से ज़्यादा मुझे सुनने की आदत भी नहीं है और मैं सिंपल पर्सन और मैंने ना मुझे बोलना आता कभी मैं पब्लिक में बोला ही नहीं आज तक मैंने कभी ओपनिंग्स नहीं की और मैंने कहीं उद्घाटन नहीं कुछ नहीं तो एनीवे अब हम ऐसे करते हैं कि मेरा ख्याल ये दिखाएंगे आपको स्लाइड शो दिखाते हैं और फिर उसके बाद अगर आप चाहें या बीच में भी कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ कुछ भी पेंटिंग के बारे में या अदरवाइज भी सो मेरे ख्याल बेटर यही है कि पहले हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करते हैं ये सीक्वेंस इस तरह से है जब मैं बिल्कुल यंग एज में शुरू ही किया था कुछ सिलेक्टेड वर्क्स बहुत अर्ली हैं बस उसके बाद ग्रेजुअली एवरी ईयर जैसे जैसे काम बढ़ता गया वो सिलेक्शंस की हैं मैंने कोई मेरे ख्याल 100 के करीब स्लाइड्स होंगी और सारी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ 300 से ज़्यादा पेंटिंग्स नहीं की होंगी इंक्लूडिंग ड्राॅइंग्स एंड ऑल दैट तो साल में मेरी प्रोडक्शन है या तो एक ही पेंटिंग बहुत बड़ी
और या फिर मीडियम साइज की तीन चार पेंटिंग्स, ये ड्राइंग्स हैं। ये सेल्फ पोर्ट्रेट था जब मैं यंग था। ये तीन चार सारे मेरे सेल्फ पोर्ट्रेट्स थे। अब मेरे ख्याल सारा देखने फिर नहीं बोले। हाँ, नीचे लिखा हुआ शायद ये दिखाई दे 1968 का। पोर्ट्रेट्स के बाद और ड्राइंग्स वगैरह करता था तो, और उन दिनों मेरा शौक़ मुझे पोर्ट्रेट्स करने का बहुत था तो, लेकिन पोर्ट्रेट से ब्रेक अवे नहीं हो रहा था और बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी कि क्रिएटिव काम कहाँ से शुरू हो। तो उसके बाद जब काफ़ी स्ट्रगल किया, मेरे ख्याल 2-3 साल मैंने पोर्ट्रेट बिल्कुल ही बंद कर दिया, काम किए ही नहीं। तो उस स्ट्रगल करते करते तब ये सीरीज़ थोड़ी सी निकली थी जो मैंने बड़ी फ्रीली कैनवस पर बड़े पर किए, और ये काफ़ी बड़े बड़े साइज थे इसके पेंटिंग्स के। तो ये लेबरर सीरीज़ थोड़ी सी निकली थी जो बिल्कुल बोनी फिगर्स या जिनको कुछ खाने पीने को नहीं मिलता गरीबी में, तो ये सीरीज़ यहाँ चली कुछ देर तक, मेरे ख्याल 2-1 साल इस तरह से चला। फिर उसके बाद एकदम चेंज हुआ मेरा काम, वो आप देखेंगे तो फिर से बात करते हैं। ये बहुत बड़ी पेंटिंग। इसके बाद ये एप सीरीज शुरू हुई जिसमें थोड़ा सा सेटायर था हमारी सराउंडिंग्स के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी पर और करप्शन पुलिस और इन सब को देखते हुए नेताओं के ऊपर एक तरह का प्रहार था। आप देखेंगे फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे मैं फिर डिटेल में ज़्यादा बताऊँगा। हाँ हाँ लाइट,
ये पेंटिंग हमने दोनों ने मिलकर बनाई थी, वसुंधरा ने और मैंने. इमेजेस इनके हैं और पीछे का बैकग्राउंड वो सारा मेरा था. मुझे भी इतना याद नहीं, लेकिन मैन सीरीज़ के बाद, जब मैन सीरीज़ मैंने ख़त्म की तो तब फिर ये एब्स्ट्रैक्ट शुरू, एब्स्ट्रैक्ट नहीं ये सिंबॉलिक ये शुरू हुआ था. आप चाहें तो बीच में रोक के थोड़ी बात कर लेते हैं और फिर आगे चल सकते हैं. आप कैसा सूट करेगा? क्यों जी, भीम जी, नहीं दिस इज डिटेल ऑफ दैट पेंटिंग ना, उसको पीछे लाइए. ये छोटा, बाकी जो इससे पहले आए हैं वो सब बड़े बड़े हैं. ये होगा मेरा ख्याल 2 feet by 2 feet, लेकिन जनरली मेरे होते हैं 5 feet by 5 feet या फिर 10 feet by 15 feet or 17 feet. ये बहुत बड़ी पेंटिंग है, यहाँ से इस वॉल साइज़ की होगी. ये उसकी डिटेल, ये सब बहुत लार्ज पेंटिंग है. तो इसलिए मैंने अपनी पिक्चर दी ताकि वो पता चले कि कितना साइज उसका बड़ा है.
जो भी पेंटिंग के साइज के लिए मैंने किया, दैट इज वेरी बहुत ही बड़ी पेंटिंग. That's all. Thank you. मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मैंने तीन शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी बहुत पहले 1980s में, 84 में, लेकिन इसका इतना लो रेजोल्यूशन लिया क्योंकि इंटरनेट से इन्होंने लिया तो उसका मजा नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पेंटिंग से कैसे रिलेटेड है. आई एम श्योर वी ऑल हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट एंड आस्क. वी विल नाउ हैव द इंटरैक्टिव सेशन. आई लाइक टू मेक एन ऑब्जर्वेशन. आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द वेज यू डन द ह्यूमन फिगर्स इन द वे जनरली पीपल लुक फ्रॉम आउटसाइड एट द फिगर. दिस सीम टू बी फेल्ट फ्रॉम इनसाइड. देयर इज अ सर्टेन लाइटनेस. आई डोंट नो इफ इट्स द टेक्निक. आई एम नॉट अ आर्टिस्ट. Highlighting whatever, but something more than that. There's some kind of a lightness which seems to thrust out from within, and even the emotions, the concentration in a certain areas, it's very palpable. So I want to ask you about one painting in which there's a profile of a man, mm-hmm. and then there are two forefingers that are touching each other. Mm-hmm. Is it profile?
Yes, yeah, and two fingers like this. Two fingers. I'm just asking you, usme his concentration is between his eyebrows, you can make out, man's. And then the two fingers seem to touch each other with a similar kind of a tension. Yeah. Can you just explain about it? Is it, I feel it is some kind of a energy, kahan concentrate hoti hai body mein. Like, those two things are picking it up so well. If you could just elaborate on that. उस पेंटिंग के बारे में एक्चुअली बनाते वक्त वैसे ऐसा कोई आइडिया नहीं होता कि कैसा इफ़ेक्ट दिखाने जा रहे हैं कि क्या उसका रिज़ल्ट आएगा वो कभी भी नहीं होता सिर्फ हमारे पास इमेज है दिमाग में चाहे वो मैंने अपने ही फेस का फोटोग्राफ लिया होगा कभी कभी मैं रेफरेंस ले कर काम करता हूँ और कभी बिना रेफरेंस के सीधा ही कैनवस पर हो जाता है लेकिन जहाँ पर बहुत प्रिसीजन की ज़रूरत है वहाँ मैं फ़ोटोग्राफ लेके अपना खुद मैं फ़ोटोग्राफ लूँगा फिर मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ और लेकिन जब करते वक्त मैं लिबर्टी लेता हूँ कि कहाँ पर एम्फेसिस देना है कहाँ सिंप्लीफाई करना है वो फिर मेरे हाथ में होते हैं फिर मैं वो फ़ोटोग्राफ को ड्रॉप कर देता हूँ उसके ऊपर खुद काम करता हूँ तो इसी तरह से वो फिंगर्स का भी वो मेरा ही हाथ का था उसका एक फ़ोटोग्राफ लिया सो आइडिया यही था कि ध्यान में उसका ध्यान के वो कैसे एकदम एकजुट हुआ हुआ खोया हुआ आदमी कंसंट्रेशन एक जगह पर है तो फीलिंग जो है वो ऐसा नहीं होता कि पेंटिंग करते वक्त हम सोच के करते हैं कि ये फीलिंग जनरेट होगी कि नहीं यू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड यू आर सो सेंसिटिव एट दैट टाइम कि आपको पता रहता है कि कहाँ पर ज़रा ज़्यादा हो गया या कहाँ पर कम रह गया कहाँ पर कुछ करना है और उस वक्त जब इन्वॉल्व होते हैं तो अपने आप ही जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में होगा जो आपके अंदर फीलिंग्स है या जो आपका एक्सपीरियंस है इट हैज़ टू कम नेचुरली और वो करते करते जब बिल्कुल आप सेटिस्फाइड होते हैं आपको लगता है कि बस ये पेंटिंग ख़त्म हो गई और या कहीं थोड़ा सा कुछ लगता है कि इसमें ज़रा सा और आईब्रोज में या यहाँ करें जिससे कि उसमें और लाइफ आ सकती है सो दैट वी टेक आई टेक लिबर्टीज एंड एवरीबडी आई थिंक डज इट लाइक दिस सो कभी भी ऐसे प्लान करके मैंने पेंटिंग नहीं की जो कि लगता ज़रूर होगा कि सारी प्लान्ड है वही है कि कैनवस के साथ आपका इंटरेक्शन होता रहता कंटिन्यूसली और उस वक्त ध्यान मेरा तो कहीं और नहीं जाता तो नेचुरल है वो और कुछ पता नहीं मैं आपको हाँ मेरी पेंटिंग तो मैंने ये ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने जब स्टूडेंट भी था तो मैंने लाइफ ड्राइंग के ऊपर काफ़ी जोर दिया एनाटॉमी पर और सब पर ताकि एक तो है कि ड्राइंग कर रहे हैं कपड़े पहने हुए और आगे अंदर स्ट्रक्चर ही नहीं दिखाई दे रहा एक है कि आपने स्ट्रक्चर की पूरी स्टडी की फिर जब हम शर्ट भी पहनेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ बोन भी है या क्या है तो स्ट्रक्चर का मुझे तब से बहुत शौक है मेरी अगर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स भी होंगी उसमें भी एक इनर स्ट्रक्चर ज़रूर होता है तो इसमें जो फिर फीलिंग आती है तो मैं कई बार करता हूँ जैसे कि मैंने एक लेग बनाई तो लेग ही नहीं मैं सिर्फ बना रहा होता है लाइट शेड कर रहा बल्कि अपने उनको फील करता हूँ ये बोन को और टच करके भी देखता हूँ कि तो वो फीलिंग मुझे लगता है कि जब मैं मेरी अपने बोन को मैं फील कर रहा हूँ तो वो वहाँ भी आनी चाहिए उस तरह ताकि कोई भी देखे उसको लगे कि हाँ ये बोन है यहाँ अगर उसका हाथ लगेगा तो इट्स नॉट स्किन इट्स नॉट फ्लैश इट्स द बोन तो वो मुझे कोशिश करके लाना पड़ता है खुद ऑब्जर्व करता हूँ खुद रिजल्ट देखता हूँ और तकरीबन आ जाता है तो इस तरह से मेरा ख्याल है मेरी अगर पेंटिंग में जिस बात का आप जिक्र कर लाइफ आती है तो वो है चाहे वो रिब्स हैं चाहे वो नोज है चाहे उसकी वेन्स यहाँ दिखाई दे रही हैं आई फील एंड आई सी टू इट दैट बट आई सी इट हैज़ टू कम देयर इट हैज़ टू बी देयर सो देयर वाज नॉट मच कलर इन योर वर्क वाज इट अ कॉन्शियस चॉइस और इट जस्ट केम टू यू इससे पहले की सीरीज में जब एप सीरीज थी उसमें मेरा सारा कलर और ब्रश वर्क होता था उसके बाद मैंने डिस्कवर किया स्ट्रगल कर रहा था कि मैं बहुत तंग आ गया मैंने आगे कहीं को पता होगा कि मेरा अपने आप ही चेंजेस आते हैं पेंटिंग में वो वाला पीरियड मेरा 10 साल का चला और उसके बाद जैसे कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया और मैंने सोच मैं वो कर ही नहीं सकता था कि बार बार वही गुरिल्ले वही मजाक उड़ाना वही बहुत ही लोकलाइज्ड थॉट्स को ही किए चले जाएं सो उस वक्त फीलिंग्स आने लगे कि ये आर्ट हैज़ टू अप्लाई टू एवरीबडी इट हैज़ टू बी वेरी ब्रॉड इट हैज़ टू बी लाइक यूनिवर्सल की तरह से तो वो फिर वहाँ से वो मजाक और सटायर अलग हुआ और मैन सीरीज बनने शुरू हो गए मैन के तो वो बड़ी स्ट्रगल के बाद निकला वो बड़ा मुश्किल था कई महीने या साल दो साल मैंने ख़राब किए होंगे और कैनवसेस बहुत स्पॉइल किए होंगे
और तब जाके वो मेरा ये जो मैटर मेरे हाथ में आया कि कैसे करना, और ये जो मेथड है वो एक्सपेरिमेंट करते करते ही रीपेंट किया, फिर किया, फिर उसको स्क्रेप किया, तो करते करते वो समझ आ गया कि स्क्रेप करने से ये फीलिंग ये आ सकती है। तो वहाँ से मेरी सीरीज शुरू हो गई ब्लैक एंड वाइट की। तो पहली जो मैंने पेंटिंग की वो यही की कि पहले मैंने सोचा कि ब्लैक कर, क्योंकि मैं प्रैक्टिस देख चुका था कि टेक्सचर्स ब्लेड्स से कैसे आते हैं। तो एक बार पेंटिंग मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई और मैं इतना तंग आ गया, और लेकिन इमोशनल बहुत था कि मुझे पेंटिंग करनी करनी है, ख़त्म करनी है, किसी भी तरह से नई पेंटिंग करनी है। तो वो जब पेंटिंग मेरी बहुत ही ख़राब हो गई और कैनवस गंदा हो गया एकदम, तो सोचा कि अब इसको क्या करें, और पैसे की कमी होती थी, ऐसा नहीं था कि एक नया कैनवस और ख़रीद लो। तो मैंने सोचा इसको रीपेंट करके फिर मैं पेंट करूँगा। तो मेरे पास वाइट कलर नहीं था, तो एक ग्रीन कलर ही था जो कि दरवाज़ों पर करने वाला, वो मैंने सारा उसके ऊपर लगा दिया। मैंने सोचा कि जब सूख जाएगा फिर इसके ऊपर पेंट करूँगा। तो वो जब लगा दिया और सूखना, तो उसको एक या दो दिन लगते, और पेशेंस कहाँ था, मैं बार बार बाहर जाऊँ चाय पीने जाऊँ फिर आ जाऊँ और फिर, तो बड़ा वो, तो देखो वो ऐसा है कि जैसे तभी कहते हैं कि ये कोई अपने हाथ में नहीं होता, इट्स हैपन्स। कुछ भी डिस्कवरी होती है वो माइंड में ज़रूर होता है कि किसी की खोज में है, लेकिन वो आप कहीं ना कहीं आपको वो मिल जाता है। तो वो पेंटिंग करी और मैं बहुत ही इमोशनल के कैसे करें, और पेंटिंग अगर करता तो ग्रीन में मिल जाती तो कलर मिल के तो वो बड़ा गंदा हो जाता, वो नहीं हो सकता था। तो मैंने फिर सोचा कि छोड़ो इसको पेंटिंग को, वहाँ चक्कू पड़ा हुआ था, मैंने चक्कू से स्क्रेप करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कुछ करें इसको, ऐसी स्क्रिबलिंग करते हैं, वो स्क्रिबलिंग करते 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 और वो कुछ स्ट्रक्चर बनता चला गया, फिर उधर एक गोरिल्ला बन गया, फिर वो एक आदमी को उल्टा किया हुआ स्टूल बन गया, वो एक पेंटिंग आई थी बीच में। तो जब मैंने वो की और मैंने करते करते मैंने देखा पीछे हट के, मैंने कहा ये तो पेंटिंग तो ख़त्म हो गई, यानी आधे घंटे में या एक घंटे में। तो मैं तो बड़ा, मैंने कहा ये तो वाह मज़ा आ गया, ये तो ड्राइंग की ड्राइंग स्केचिंग की तरह, सो स्पॉन्टेनियस। एंड देन आई डिस्कवर्ड कि ये तो इसको फर्दर ले जाया जा सकता है कि स्क्रेप करने का। तो वहाँ से मेरा स्क्रेपिंग का फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया कि कैसे सरफेस बनाऊँ और उसको फिर स्क्रेप करके और अंदर से निकालूँ। इट वॉज लाइक रिवर्स ड्राॅइंग, और ड्राइंग का तो एक मज़ा ही अलग होता है कि बिल्कुल स्पॉन्टेनियस। तो नेक्स्ट फ्यू डेज तक या महीने तक, दो महीने तक मैंने वो कैनवस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। तो लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जब करता था, नीचे वाइट था और उसके ऊपर ब्लैक कलर लगाया और स्क्रेप करता था, तो वो करना तो शुरू कर दिया लेकिन वो अगले दिन बिल्कुल सूख जाता था। तो इसका मतलब है वो पेंटिंग आप एक ही दिन में बना सकते हैं। कोई डीप सब्जेक्ट हो या जिसके अंदर आपको बहुत काम करना हो, वो तो हो ही नहीं सकता, फिर एक दिन में कैसे ख़त्म होगी। ये मेरी पेंटिंग अब एक एक साल लग जाता कई बार बनाने में, उस डिटेलिंग के अंदर जाने में। तो फिर और मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए कैनवस के साथ, तो कैनवस में फिर सिल्वर कोटिंग की, फिर उसके ऊपर एक कोटिंग की लाइट कलर की, फिर उसके ऊपर डार्क कलर, वो सूख गया था और डार्क कलर, ब्राउन्स, येलोज, ब्राउन्स एंड टूवर्ड ब्लैक, इस तरह से। तो 7-8 कोटिंग्स करता था, वो जब सूख जाती थी फिर मैं ब्लेड से उसको स्क्रेप करता। शुरू में तो मैं नाइफ से करता था, लेकिन नाइफ से डिटेलिंग नहीं आती थी, बड़ी बड़ी लाइंस तो आती थी, बहुत बोल्ड होता था, मज़ा भी आता था, लेकिन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती चले गई तो लगा कि इसमें फाइननेस कैसे आएगी। तो फिर मैंने वो ब्लेड से करना शुरू किया, तो ब्लेड की लाइन में और डिटेलिंग आई। और बाद में ब्लेड करते तो ब्लेड की और मुसीबत कि वो चार ही कोने तो हैं, एक कोना यूज़ किया ब्लंट हो गया, फिर दूसरा कोना, तो फिर चार कोने आपने इस्तेमाल किए फेंक दिया, फिर दूसरा ब्लेड, और वो एक्सपेंसिव ब्लेड से उस टाइम में पैसे की और कमी। तो मैं सोच रहा था कि कहीं से ब्लेड ऐसा मिले जो टूटने वाला हो। तो फिर मैंने मार्केट में गए, कई तरह के ब्रांड्स मैंने खरीदे, तो उनमें से एक ब्लेड निकला भारत ब्लेड। अच्छा, और मेरा ख्याल है वो भारत ब्लेड वो तब हुआ था जब शायद इंदिरा गांधी ने कुछ वो पॉलिसी निकाली थी कि गरीबों के लिए भी ऐसे कपड़े और ऐसी चीज़ें बननी चाहिए जो उनको अफोर्डेबल हो। तो उनमें से ये ब्लेड भी था जो भारत ब्लेड आया, जो कि सस्ता था बिल्कुल और ब्रेक हो जाता था। मेरा तो काम बन गया, आर्किटेक्ट्स भी उसने सुना कि वो यूज़ करते हैं काटने के लिए, डिज़ाइनर्स यूज़ करते थे, आज तक भी वो है ब्लेड। और वो मैं जब मैं इकट्ठे खरीदता था तो मैं अपने चपरासी को कहता था भी मेरा ये ख़त्म हो गया, मेरे पास इतने बड़े हैं, तुम इसको शेविंग के लिए ले लिया करो। कहते साहब इसको कौन करेगा, तो स्किन काट देता मेरी, काट देगा।
तो यानी वो सस्ते उन्होंने बनाए हैं लेकिन वो ह्यूमन बीइंग के काम नहीं आए, वो आए आर्टिस्टों के और डिजाइनर्स के. बट एनीवे मेरा तो काम सर गया. मैंने कहा कि वाह. उधर से मैं उसके दो टुकड़े करता, फिर उसका एक और टुकड़ा किया, वो ब्लंट हो गया. फिर दूसरा करते करते एक ब्लेड में तो मेरा बहुत देर तक चलता था. तो अच्छा, फिर वो यानी वो फिर डिटेलिंग आगे क्या जाना है, यही कि वो डिटेलिंग में मुझे मज़ा आने लग गया. तो फिर वो जब डिटेलिंग में गया तो वही पेंटिंग, फिर जब डिटेलिंग में उसकी जैसे आपने बात की स्किन और उसकी बोन्स और उसकी डिटेलिंग निकालें, उसकी नसें निकालें, तो उसके लिए वो ब्लेड की ज़रूरत ही थी. एंड देट वॉज सो अप्रोप्रिएट. तो वो फिर टाइम ज़्यादा लगने लग गया. एक पेंटिंग अब एक महीने में बनती थी, कुछ छोटी हो तो, और बड़ी हो तो और ज़्यादा महीने, और ज़्यादा बड़ी हो तो एक साल में एक पेंटिंग बनती थी. लेकिन उसकी सारी डिटेलिंग का मज़ा था, ताकि आप पेंटिंग को देखें तो एक पहले तो पेंटिंग दिखाई दे रही है कि उसका सब्जेक्ट मैटर जो भी है, फिर आप उसकी डिटेलिंग को एंजॉय कर सकते हैं. तो इस तरह से फिर मुझे लगा कि ये दिस इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट मटीरियल फॉर मी, मेरे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए. तो तब से वो मेरा अभी तक वो स्क्रेपिंग का ही चल रहा है. अब जहाँ तक ये सवाल है कि कलर क्यों नहीं लगता, आप इमेजिन करिए कि आदमी खड़ा हुआ न्यूड, आप उसको कपड़े पहना के देखिए कैसा लगेगा. उसमें और उसमें तो बहुत ही फ़र्क है. और फिर कलरफुल डिज़ाइन वाले कपड़े पहना दिए, वो तो सब्जेक्ट ही डिफरेंट हो गया. तो कलर इसलिए ये इस्तेमाल करता था कि मेरे ये सब्जेक्ट इतने सीरियस थे और टू द पॉइंट एक तरह से, तो उसमें कलर का कोई गुंजाइश ही नहीं होती. कलर अगर कर देंगे तो पेंटिंग डेकोरेटिव की तरफ चले जाएगी, डिज़ाइन की तरफ चले जाएगी, और वो डाइल्यूट हो जाएगा उसका इंटरेस्ट. तो कभी मैंने अगर यूज़ किया भी है तो बहुत थोड़ा सा किसी की वेन में थोड़ा सा कर दिया, या कहीं पर थोड़ा सा कुछ जहाँ मतलब की ज़रूरत है, अदरवाइज़ मैंने कलर नहीं यूज़ किया. और उसके बाद मुझे ज़रूरत है ही नहीं. कई कहते हैं कलर क्यों नहीं करते, तो आप मैं तो यही कहता हूँ कि आप देखिए उसको पहना के, कलर लगा के देखिए, उसका सारा इंटरेस्ट डाइल्यूट हो जाएगा. सो दिस इज़ वाई ब्लैक एंड वाइट. लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल नहीं है, उसमें बड़े कलर्स हैं. अगर आप सारी पेंटिंग्स देखेंगे, कोई ज़रा ब्लू की तरफ है, कोई ब्राउन की तरफ है, कोई स्लाइटली ऑरेंजिश है, तो ग्रीन है, ग्रीनिश है. तो जब इकट्ठी रखते हैं तो वो अंदर की टोन्स भी दिखाई देते हैं. ब्लैक तो ऊपर तक ऊपर का आता है, वो भी पूरा ब्लैक नहीं होता. ब्लैक जो है वो ब्राउनिश ब्लैक होगा, ब्लूइश ब्लैक होगा, या रेडिश ब्लैक होगा. तो ब्लैक, सिंपल ब्लैक तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. तो इसी तरह से जब उसको हम स्क्रेप करते हैं तो नीचे की लेयर्स आती हैं ब्राउन, फिर उसके बाद गोल्डन येलो सी, फिर उसके बाद और अंदर गए तो जहाँ हाइलाइट्स दिखानी है तो वाइट तक पहुँच गए, सिल्वर तक पहुँच गए. तो इस तरह से वो सारी डेप्थ आती है. तो वो देखने में ब्लैक एंड वाइट लगती हैं, बट इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट एक्चुअली. Sir, I would like to congratulate you for using the texture work you have done in your work. I am really grateful to watch that. I really want to know that the cubical forms you have used in your work, what is the significance behind it? You have used it with human figures as well. So I just want to know. No, human figure kyun use ki? No, I want to know the cubical forms you have used along with the along human with figures. Yeah. Yes. Ha, ha. शुरू में जब मैन सीरीज़ की बन रही थी, मेरा एम्फेसिस सिर्फ मैंस नेचर के ऊपर था कि हाउ जनरेशन से ओवर द ईयर्स और प्री हिस्टोरिक मैन से अभी तक ही इज़ गोइंग थ्रू ऑल दीज काइंड ऑफ स्ट्रगल्स, चाहे वो पॉवर्टी है, चाहे रोटी कमाने का है, चाहे इंजरीज हैं, चाहे कुछ भी है. तो वो सारा जब सारा अच्छे और बुरे प्लस एंड माइनस पॉइंट सारे ही ज़िंदगी से इंसान गुजरता है, एंड आई हैव गॉन थ्रू सो मच, एंड आई हैव रेड, आई हैव सीन, तो वो उसी फिगर को बनाए तो वो आ जाता है उसमें इंजरीज और वो सारा उसका स्ट्रक्चर और बोन सब कुछ आ जाता है. लेकिन अब सिर्फ एक आदमी तो नहीं बना सकते. कहाँ पर खड़ा है, किसके सामने खड़ा है, क्या उसका रिलेशनशिप, किसी पेड़ के सामने अगर खड़ा हो तो एक सीनरी की तरह से लगने लग जाएगी, और कुर्सी पर बैठा हुआ हो तो भी कुछ और लगेगा. लेकिन मैन खड़ा हो लेकिन कहाँ पर, आकाश में नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो होगा. तो कौन सी चीज़ उसके साथ रिलेट करती है, जो करेक्टर मैं दिखा रहा हूँ उसके साथ रिलेट कौन क्या चीज़ करेगी, कोई पाइप उसके साथ करेगी कि स्ट्रक्चर करेगा, कि कोई बहुत बड़ा स्टोन करेगा, कि कोई ब्यूटीफुल औरत उसके सामने खड़ी होगी. तो वो देखना होता. तो अपने सब्जेक्ट के मुताबिक जैसे ही हम शुरू करते हैं
तो उस वक्त अपने आप ही लगता है कि ये आए कि ये आए कि उस वक्त चॉइस होती है आपके, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, बट देन अगेन जैसे कि पेंटिंग में होती है सिलेक्शन और रिजेक्शन, क्या आप रिजेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको मिटा दो, और क्या है आप उसमें ऐड करते चले जाते हैं, तो अपने आप ही आइडियाज़ आते हैं, विजन होता है कि इसके साथ ये चीज़ जाएगी या इसके साथ ऐसा ये जाएगा, और वो एक स्टोरी बनती चले जाती है, कोई ऐसा नहीं कि थॉट आउट प्लान्ड होता है, वो अपने आप ही चलता चले जाता है, और पता है कि इसके साथ जा रहा है, अगर नहीं जाएगा तो उसी वक्त हम मिटा देंगे, तो अगर जब हम पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सो देन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू डिसाइड के क्या. सो इस तरह से ह्यूमन फिगर सिर्फ बादल में अकेला खड़ा हुआ ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा, और बाद में जब सीरीज चेंज हुई वो तब भी यही हुआ कि कैसे क्या चेंज करें, ह्यूमन फिगर जैसे सैचुरेशन पॉइंट पर आ गया कि अब ह्यूमन फिगर बहुत हो गई, बार बार मैन, बार बार इंजर्ड पर्सन और ये सारा का सारा, तो फिर अब वो फिगर नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे, कोई एनिमल से तो मेरा एक्सप्रेशन एनिमल फॉर्म से, ट्री की फॉर्म से, किसी और से तो नहीं निकलेगा, सो वट, ना ही कहीं से पता चलता कि यहाँ से ले लो कुछ, या ये कोई टीचर बैठा हुआ कहेगा नहीं तुम यहाँ से शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता, तो खुद ही डिस्कवर करना उसको. अब मैन नहीं होगा तो क्या होगा, तो जब मैन से तंग आ गया तो मैंने कहा कि अब इतना एक्सप्रेस कर लिया, सैचुरेशन पॉइंट पर आ गया, तो मैंने सोचा कि इसको निकाल लो, तो मैन के साथ फिर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स कुछ आए लगाए मैंने, तो उसके साथ बिल्कुल मैच करते थे, धीरे धीरे और स्ट्रक्चर्स आए, और मैन आपने कुछ पेंटिंग्स देखे होंगे बिल्कुल वो वाइटिश होता चला गया, स्पेस में मिलता चला गया, तो उसको ज़्यादा मैंने स्क्रेप कर करके बिल्कुल स्पेस में ज़्यादातर मर्ज कर दिया, और बाकी एलिमेंट्स रह गए, और बाद में यह हुआ कि वो एलिमेंट्स रह गए, ह्यूमन फिगर बिल्कुल चले गई, और बाद में वो स्ट्रक्चर्स या चट्टाने ऐसी चीज़ें, पत्थर ऐसी चीज़ें, और उसमें निशान, उसमें लैंग्वेज के साइंस, ये तो बड़े इजीली मैं उसमें से, इजीली नहीं लेकिन बहुत टाइम लगा, लेकिन निकल पाया मैं अपने ही तरीके से, मुझे कहीं से रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं हुई. और वो जब दूसरी सीरीज़ बनी उसमें जहाँ पर सिग्नेचर्स हैं, जहाँ पर जगह जगह पर लिखा हुआ है या डॉट डॉट्स हैं उनमें, तो उसका मतलब भी यही था कि एब्सेंस ऑफ मैन लेकिन स्टिल इस मैंस क्रिएशन, क्योंकि कभी किसी ने उस पर कुछ लिखा, कभी उसने उसको चिजल आउट किया, तो इस तरह से करते करते, या इवन नेचर से, बारिश से निशान कुछ पड़े हुए, सो ये मैन ख़त्म हो गया, और उसके बाद सिम्बॉलिकली जैसे कि उसके निशान रह गए हों, सो आई वॉज़ हैप्पी कि मैन ना भी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ना हो जाए, तो सो समहाउ उसमें से निकल के फिर इधर आ गया. So, कुछ और था आपने पूछा कि मोर क्वेश्चंस कुड द माइक बी पास्ड देयर. लैंग्वेज से आप बात कर रहे थे तो आई फाउंड देयर आर सम उर्दू वर्ड्स इन इट. हाँ, एक्चुअली जो स्क्रिप्ट लिखता था तो स्क्रिप्ट मैं कभी भी, बहुत लोग पेंटिंग में यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट, लेकिन उसमें वो पूरे अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में या हिंदी में या कुछ भी लिखेंगे, आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दैट, क्योंकि कोई भी आप इस तरह के स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर उससे मतलब निकालेंगे. मैं उस पढ़ने से मतलब नहीं निकलवाना चाहता, मैं मतलब निकालना चाहता जो मैं कह रहा हूँ, इस विजन से आप मतलब निकालें. मैं क्या कह रहा हूँ मुझे स्क्रिप्ट से लेना देना नहीं, स्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ सिम्बॉलिक है या एसेंस ऑफ डिज़ाइन उसमें है, तो इसलिए मैंने कभी भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा, अभी तक भी मैं कभी कभी पेंटिंग में कुछ करता हूँ. सो स्क्रिप्ट तो कुछ भी हो जाता है, ना वो उर्दू है ना हिंदी, आप पढ़ नहीं सकते, तो जस्ट स्क्रिप्ट ताकि उसको पढ़ के कोई उसको कवरेज ऑफ स्पेस एंड इट शुड रिलेट टू द लैंग्वेज ऑफ द मैन ऑफ द पर्सन ऑफ द ह्यूमन रेस, लेकिन उसको पढ़ना नहीं तो वो तो फिर वही उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं कि इसका मतलब ये और इसका मतलब ये, तो वो नहीं करते. इट्स प्योरली इमेजरी. और कुछ? हाँ, ब्रूटा सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. आप बहुत सरल इंसान हैं. बहुत स्टार्टिंग में आपने कहा सरल इंसान है, स्टार्टिंग में आप कम बोलते हैं. हाँ जी, लेकिन आप बहुत बोल रहा हूँ. हाँ जी, बोल रहे हैं. सर, सही कह रहा है, जब आप अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, नॉर्मली कम. और सर, जो मेरा क्वेश्चन है, मतलब जो आपके इसमें पेंटिंग के अंदर जो फिगर्स बनी है वो लगते सर पत्थर से बनी हो और काफ़ी पावरफुल, नहीं ऐसा आपका मतलब है कि वो स्कल्पचरल लगते हैं कि स्कल्पचर. हम्म,
इतना बारीकी से आपने बनाया, आपने मेटल भी बनाई है लेकिन वो इतना मतलब उसमें नहीं है जितना आपने पत्थर को बनाया और उसमें दिखाया है, तो मेटल पत्थर के साथ जो इंसान है वो ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि वो उसमें लग रहा है कि जैसे वो बिलोंग्स टू देम। तो आपका मतलब है कि वो स्टैचूज की तरह ह्यूमन फॉर्म जो है। अच्छा, और इसी तरह से एक्चुअली जैसे इवन रॉक्स भी बनाई हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं जब ह्यूमन फिगर बनाता हूँ तो उसके अंदर वो फील आनी चाहिए, तो लगे, चाहे वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है, नहीं तो वो इलस्ट्रेशन से लगेगी, लेकिन उसकी फीलिंग आनी चाहिए कि ह्यूमन स्ट्रक्चर कैसा है अंदर का, उसकी बोन्स, उसके मसल्स या जैसा भी। तो मैंने आपको बताया था भी जैसे कि जब मैं बनाता हूँ, अगर मुझे घुटने को स्टडी करना, घुटने की वो फील आनी चाहिए कि हार्ड बोन है अंदर से, तो मैं अपना घुटने को छूऊंगा, देखूंगा, वो जो हार्डनेस है मुझे उसमें आनी चाहिए विजुअली। और जैसे मैंने कहा कि मैंने काफ़ी स्टडी की है लाइट एंड शेड एंड ह्यूमन बॉडी की, तो पता है कि कितना इसमें लाइट करने से ये हार्डनेस आ जाएगी, या कितना इसको फ्री करने से ये मसल्स की सॉफ्टनेस आ जाएगी, स्किन की सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो वो इस तरह से आर्टिस्ट की, मेरा ख्याल, सबकी ऑब्जर्वेशन ही तो होती है जिससे वो आगे आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज हमेशा ऐसे थोड़ी करेगा कि वो जब उसने पेंटिंग करनी है तो स्केच करने जाए या फोटोग्राफ करने जाए फिर आगे पेंट करे, ऐसा नहीं होता। वो तो एक प्रोसेस है, सारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि दैट यू हैव टू बी सेंसिटिव, यू हैव टू सी थिंग्स, यू हैव टू फील थिंग्स। और ये जो हैव टू कह रहा हूँ वो एक ट्रेनिंग सी हो जाती है शुरू से ही, जब आप स्टूडेंट लाइफ में ही होते हैं, आप स्टिल लाइफ करते हैं, आप पोर्ट्रेट करते हैं, तो आपको देख देख के, आपको फील करके आपको करना पड़ता है। लाइट एंड शेड है, अब नाक बनाना तो नाक उठा हुआ लगना चाहिए, पेंटिंग को अगर आप देखें तो लगना चाहिए कि हाथ आगे अगर बढ़ाएं तो नाक को टच कर जाएगा, बाकी को नहीं टच करे, तो ये फीलिंग कहाँ से आएगी? तो वो ऑब्जर्वेशन से, और वो मेरा ख्याल है ये स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स हमें ऑब्जर्व करना भी सिखाते हैं, प्लस द पर्सन हैज़ टू बी सेंसिटिव। तो कहीं भी जाएंगे आपकी ऑब्जर्वेशन तो बहुत शार्प होती है, तो वो नेचुरली उसमें आएगी, कुछ उसकी ज़रूरत नहीं है। तो पत्थरों का भी अगर जो फील है, आई डोंट नो, वो कभी मैंने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा नहीं किया होगा कि पत्थर सामने रख के और मैंने उसकी स्टडी की, ऐसा नहीं है। वो टेक्सचर्स कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं और अब उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसकी मोटाई गोलाई वो आए और हैवी लगे, तो ना कभी वो, हाँ अच्छा, तो वो एक स्टडी होती, पता है कि 3D कैसे आएगा, किधर से लाइट और शेड का क्या खेल है, ये उससे होगा। नाक अगर उठा हुआ लगता है, चारों तरफ से अगर आप लाइट्स डाल दें तो ये फ्लैट चेहरा हो जाता है। अगर आप देखें, हम फोटोग्राफ कराने जाते हैं अपना पासपोर्ट साइज़ का, वो सारी तरफ से उन्होंने लाइटें लगा के एकदम चिकना और फ्लैट कर देते हैं, अच्छा हाँ सुंदर, ताकि अच्छा और सभी, और अगर वो उसको हम कहेंगे लाइट, वो कभी लाइट पर फ़र्क नहीं करेगा, अच्छा। और अदरवाइज़ अगर आप अच्छे पोर्ट्रेट्स देखें, फोटोग्राफ्स देखें, तो एकदम ये स्ट्रक्चर ये सारा उसमें दिखाई देता है, तो फोटोग्राफ में इसी तरह से पेंटिंग भी करेंगे तो फीलिंग वो आनी चाहिए। सो वो ऑब्जर्वेशन के कारण ही फिर। हेड, हाँ, इसमें ब्रेन होता है जो डिसाइड करता है, लेकिन आपकी पहली ड्राइंग में हेड नहीं थे, और उसके आने वाली जो ड्राइंग थी इसके बाद में नेक्स्ट, उसमें थोड़ा कम थे, जैसे उग रहे हैं, नहीं हेड, मैं समझा नहीं, सिर की हेयरलेस, अच्छा हाँ, अदरवाइज मैं एक बता दूँ, जैसे आपने हेडलेस का कहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बॉडी के, अच्छा मैं समझ गया, एक दो ऐसी आई थी जो, या सिर्फ टॉर्सो था, और टॉर्सो है और उसकी रिब्स हैं सिर्फ, अंदर की लाइट, लेकिन बात वही है कि जैसे अगर हम हेडलेस फिगर बनाएं, तो कोई भी जो आर्ट को नहीं समझेगा वो कहेगा कि हेडलेस बनाया क्या, एज इफ इसका कत्ल हो चुका है, ये है नहीं, उसके लिए वो बड़ा नेगेटिव लगेगा। और किसी पेंटिंग में लेकिन आपके हेड की ज़रूरत ही नहीं लगती, वो टॉर्सो ही इतना बढ़िया होता है, आप उसका सोचना ही नहीं चाहते कि हेड कोई चीज़ है या ब्रेन कोई चीज़ है, तो आप फिर वो सिर्फ उसको एम्फेसिस देंगे, ताकि वो दिखा रहा है कि फील इसमें कितनी है। मुझे अब मैं ढूंढ नहीं पा रहा कि आप किस पेंटिंग के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हम वो बनाएं और उसका मतलब हेड कटा हुआ है, ऐसा नहीं होता। और कोई पूछना चाहिए? Good evening, sir.
सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप चंडीगढ़ में आके आपने ये शो किया उसके लिए थैंक यू और दूसरा कि बहुत बार लेक्चर होते हैं आर्ट अप्रिशिएट बहुत बार कर पाते हैं पर एंजॉय नहीं कर पाते अच्छा। आपने जिस सिंपल भाषा में हमसे कन्वर्सेशन की है हम बड़े इजीली उसको समझ भी पाए हैं एंजॉय भी कर पाए हैं वो बहुत कम होता है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो सरलता की आपने बात की अपने बारे में वो भाषा में देखने को मिलती है तो समझना बड़ा आसान हो गया थैंक यू उसके अलावा सर एक सीरीज के बारे में मैं सवाल करना चाहूंगा हां जी हां जी आपने कहा था जब स्लाइड स्टार्ट हुई थी एक सटायर है एक तरह से सोसाइटी की तरफ शायद ह्यूमंस को एप्स की तरह हां 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 तो कोई पर्टिकुलर घटना थी जिस वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखी कि आप इंसानों को इस रूप में देख रहे थे उसके अलावा एक सीरीज में आई थी स्लाइड जिसमें चार फिगर्स थे और एक फिगर पे कुछ कंट्रीज के नाम लिखे थे तो मेरा दिमाग भी मेन कंट्रीज के नाम कौन-कौन से क्यों थे ये पूछा एप सीरीज मेरी शुरू हुई जैसे पहले मेरे ये लेबरर्स क्लास के ऊपर था कि भूखे लोग जिनको खाना नहीं मिलता बोनी एकदम से एंड ऐसे लोग जो जिनको समझ नहीं व्हाट टू डू हाउ टू गो अबाउट लाइफ एंड ऑल दैट वो जब सीरीज तो उन दिनों यंग थे हम भी उन उसमें से गुजर रहे थे दौर में से गुजर रहे थे जो कि एक डिफ़िकल्ट पीरियड था और दूसरी तरफ हम देखते थे कि एक तरफ इतनी गरीबी एक तरफ इतनी सफरिंग इंक्लूडिंग आई वाज सफरिंग एज ए स्टूडेंट तो कैनवास पेंट करते थे और पेंटिंग हो गई अब नेक्स्ट कैनवास के लिए पैसा नहीं तो पिछली साइड पर उसको पेंट करके कोई वाइट पेंट करके फिर पिछली साइड भी यूज़ करते थे तो दो दो साइड यूज़ करते उसी को रीस्ट्रेच कर दिया या एक पेंटिंग ख़राब हो गई तो उसको फिर वाइट करके फिर उसी के ऊपर दूसरी तो इस तरह की हालत से गुजरे और काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था तो और साथ में हम देखते हैं मज़दूरों को साथ में हम देखते हैं कि बिल्कुल बेचारे आम लोग जैसे आपको पता ही है गरीबी या टॉर्चर जो कुछ भी है तो उस तो यंग थे और कहीं बैठते थे बातें करते या देखा तो एक तरफ देखते थे कि ये एक तरफ हम किसी हलवाई की दुकान पर चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं और टेबल के ऊपर एक फैमिली पूरी बैठी है मोटे तगड़े लोग बैठे हैं ये भी लाओ भाई अब गोलगप्पे आओ अभी यानी हज़ार सब चीज़ें जो चाहो वो खा रहे हैं और दूसरी तरफ पता है कि हमें कि क्या है शादियों में जाते थे तो भी ऑब्जर्वेशन तो होती कि सबकी प्लेटें इतनी इतनी भर ली चाहे वो खा सकें नहीं खा सकें लेकिन वो ज़रूर वो करना तो वो जो कंट्रास्ट जब हमने सोसाइटी में देखते थे तो ये लगता था कि वो जो मैं सीरीज लेबरर क्लास की बना रहा हूँ तो इस बिकॉज कि एक तरफ इतना ज़्यादा खाने पीने को है फेंकने को है और दूसरी तरफ आप स्ट्रगल कर रहे हैं सारी ज़िंदगी भर कुछ मिल नहीं रहा तो थिंकिंग फिर उधर जाने लग गई कि एक तरफ खाए पिए मोटे तगड़े लोग और एक तरफ ये तो जब मेरी ये वाली पेंटिंग्स बना रहा था सफरिंग की तो अब वो सीरीज़ ख़त्म होने से मेरा एक सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है जब तो फिर मैं नो लॉन्ग आई कांट पेंट दैट सब्जेक्ट अगेन वो एक पता चल जाता है भी एक्सप्रेशन मिल गया तो बस अब ज़रूरत क्या है अब पेंटर हूँ तो पेंट तो करना ही करना नहीं तो करेंगे क्या तो अब वो सब्जेक्ट पेंट करने का मन नहीं करता लेकिन उसका रीज़न था कि रोज़ ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करने से ये लगा कि सिर्फ यही करते रहें तो स्ट्रगल शुरू हुई कि अब मैं ये बनाना ही चाहता तो मैंने कैनवस को मिटाना शुरू कर दिया जैसे बनाऊँ और लेबरर क्लास का वो आए या कोई बोनी स्ट्रक्चर बन जाए तो मैं उसको मिटा दूँ कैनवस को गंदा हो जाए फिर से ड्रॉ करूँ फिर वही निकले जैसे मैंने आगे बताया कि कुछ सामने नहीं रखा हुआ कि उसको देख के हम आगे की चेंज ले आएँ तो मिटाते मिटाते ही मैंने ऐसे मिटाया तो एकदम गोल गोल सा एक सर्कुलर बना मुझे वो गुरिल्ला की शेप उसमें दिखाई दी गुरिल्ला का फेस मैंने फ़ौरन उसको गुरिल्ला बना दिया और बंदर की शेप बना के और फिर उसका जब वो बन गया तो उसका कंधा फिर उसकी बॉडी और वो जब सारा बनाया तो वो देखा कि वो एकदम एक एपिश ह्यूमन बीइंग बना जो कि एपिश एकदम और जो मेरे सबको सबकॉन्शियस माइंड में था कि तो वो मैंने वो पहली पेंटिंग बनाई तो मैंने एक वो पेंटिंग बना दी मोटा सा आदमी फिर एकदम एक दूसरा और बना दिया फिर तीसरा एक और बना दिया तो तीन गोरिल्ले बन गए और कुछ पहना नहीं फिर मुझे लगा कि जैसे कि कुछ लोग इतने मोटे और इतने भद्दे हो जाते हैं कि मुझे मजाक सूझा कि इनके ब्रा पहना देते हैं तो मैंने ब्रा पहना दी उनके और हाथ में फाइलें दबा दी उसकी इसमें कि ये ऑफिसर्स खाने पीने वाले ब्यूरोक्रेट और अपना मस्ती मारते हैं लेकिन उनकी शेप तक सारी बिगड़ जाती है मेरी भी बिगड़ रही वैसे आई एम सॉरी तो वो एक पेंटिंग बड़ी सिग्निफिकेंट थी
वो जब पूरी बन गई तो जो भी आए देखे तो उस वक्त तो ऐसा काम हो नहीं होता नहीं था, तो कहते ये क्या बनाया। इवन मेरे टीचर भी आए, वो भी देख के हैरान हो गए कि कैसे, जब टीचर इसलिए कि बाद में मिलने आते, कभी मिलते थे हम बैठते थे, तो उससे थोड़ा सा मुझे लगा कि वाकई बहुत एक डिफरेंट टाइप का काम निकला, उस वक्त तो ऐसा काम हो ही नहीं रहा था। तो बस उसके बाद फिर वो दिमाग में सारे वो सारी चीज़ें आ गई, ये जो हम देखते हैं करप्शन और टू मच ऑफ एम्फेसिस ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो वहाँ से वो सारा सेटायर शुरू हो गया, ह्यूमन बीइंग्स एज एनिमल इंस्टिंक्ट जिनके अंदर है, और अभी तक वो इंस्टिंक्ट जा नहीं रहा तो एनिमल की तरह। तो वो सारा सीरीज़ मेरी जो चली 10 साल तक वो यही था कि उन्हीं को मैं दिखा रहा था, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे। सो वो इस तरह, अब मुझे याद नहीं आया क्या क्या आपने पूछा था कि कुछ इससे इसके रिलेशन में क्वेश्चन था क्या था। हाँ, कंट्री। तो उसी की सीरीज़ में उन दिनों हिप्पीज़ मूवमेंट चली थी, और हिप्पीज़ जब आए तो वो तो हमारे लिए बड़ी हैरानी, अब तो सबको आदत हो गई है कि सब तरह के फेसेस और कपड़े देखने की। उन दिनों जो हिप्पीज़ आए तो कुछ भी पहने हुए, और जैसे भी चल रहे थे तो ना वो पता समझ आया कि लड़का है ना लड़की है, आदमी है कि औरत है, कुछ नहीं। तो वो एक सेटायर उसके ऊपर था कि दैट सोसाइटी इज़ चेंजिंग सो फास्ट, और तो उसके ऊपर एक तरह का कमेंट था। और कुछ था उसमें, और कौन सी क्या आपने, हाँ कंट्री के नाम, उसके ऊपर कंट्रीज़ के थे, जो मर्जी पहन लो उसके ऊपर कुछ भी कंट्रीज़ के लेके, भाई यहाँ भी हुआ है, वहाँ भी हुआ है, वहाँ भी हुआ है, तो वो लिखा हुआ, नॉट मच मच ऑफ ए सिग्निफिकेंट, लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसा था हिप्पीज की मूवमेंट के ऊपर। हाँ जी, gorilla form or the apes form, and how, I mean, it was amazing as well as a very interesting artistic interpretation of human beings and their behavior. मैं समझ ना फिर से, हाँ एप सीरीज है और मेरे मन में तो फिल्म से दिखा देंगे, तो काफ़ी फोटोग्राफ्स मैं करता हूँ और एग्जीबिशंस भी कर चुका हूँ, मे बी नेक्स्ट टाइम। आप दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट जब हरिन दास थे उसमें प्रिंसिपल नहीं, हमारे होते हुए प्रिंसिपल थे दास गुप्ता समथिंग, तो आप भी वहीं से हैं आपको कुछ पता है। अच्छा, तो यहाँ जो आपके आर्ट स्कूल में पहले प्रिंसिपल थे मिस्टर जगमोहन चोपड़ा, वो मेरे टीचर थे वहाँ पर, तो ही वॉज़ अ वेरी गुड टीचर एंड रियली ही न्यू व्हाट ही इज टीचिंग, ऐसा ही नहीं कि सेंटिमेंटल होके बताया, तो सारी ग्राउंडिंग उनसे हुई थी हमारी तकरीबन, और भी अच्छे टीचर्स थे लेकिन इनका बहुत असर था हमारे ऊपर। जो आजकल के दौर में न्यू मीडिया आर्ट प्रैक्टिस चल रही है, पीपल आर वर्किंग विद परफॉर्मेंस आर्ट, शॉर्ट ड्यूरेशनल आर्ट वर्क्स या इंस्टॉलेशन आर्ट, उन सारी चीजों को लेके आपका क्या टेक है बीइंग वर्किंग विद ट्रिबेनी कल्चर? बात है कि आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इसका, इसलिए नहीं कि क्यों मैं कोई पिछली जनरेशन को बिलोंग करता हूँ, लेकिन बहुत बार इसमें कंटेंट नहीं कुछ मिलता, सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे कोलाज की तरह से बहुत सारी चीज़ें उसमें बना दी, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ दिखाई दे तब बात है कि आदमी को, इंसान को होल्ड तो कर सके, मीनिंगफुल कुछ लगे। लेकिन जहाँ पर कोई अच्छा काम ऐसा होता है, मीनिंगफुल लगता है, दैट आई अप्रिशिएट, क्योंकि एक तरह से तो ये बहुत अच्छी बात है कि ह्यूमन माइंड इतना खुलता चले जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल थिंग्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, तो नो लॉन्गर के वो ड्राइंग या एचिंग या पेंटिंग ही रहे, तो एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। और बाकी के फील्ड्स भी अब बहुत डिफाइंड नहीं रहे, एक फील्ड दूसरे के साथ मर्ज होता चले जा रहा है, दैट्स हाउ वी आर, बहुत हमें नॉलेज मिलती है देखने को। लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्शन मुझे यही है कि जैसे अगर आप किसी पेंटर का काम देखें, पुराने हो या नए हो, आप उस आदमी की शक्ल देखेंगे या नाम सुनेंगे, आपको याद आएगा उसका ऐसा ऐसा काम है, लेकिन आपको क्या याद रहेगा किसी का भी कि किसी इंस्टॉलेशंस देखें या किसी की परफॉर्मेंसेस देखें, और आप बाहर आप निकल जाएं और एक महीने के बाद कहें कि आपने वो देखा वो आर्टिस्ट का काम, वो कैसे का, आपको याद ही नहीं रहेगा कौन सा काम किसका किसके साथ कनेक्टेड है। सो इंडिविजुअलिटी मैं सोचता हूँ इज़ एट स्टेक,
और यूज़ ऑफ टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी, टू मच ऑफ दिस थिंग, अगर वो इट डजंट रिलेट टू ह्यूमन बीइंग, अभी है तो सही, हम सारा दिन फ़ोन करना, सारा दिन कंप्यूटर में कहते हैं, इस तरह से है, बट इट्स ऑल्सो वेरी वेरी टेक्निकल एंड ह्यूमन रिलेशनशिप जैसे कि दूर होते जा रहे हैं, एवरीबडी नोज कि बच्चे भी हैं तो सारी सारा दिन उससे पेरेंट्स के साथ उनका ताल्लुक कम होता चला जा रहा है, उनकी यानी सारी सेंटिमेंटलिटी ही नहीं कहेंगे, सेंसिटिविटी ये कम होती चली जा रही है। तो अगर काम में अच्छा वो फिर ये भी है जस्टिफाई करेंगे कि नहीं इसमें काम क्यों सेंसिटिव हो, क्यों ऐसा होल्ड करे, क्यों नहीं सरफेस जैसे दिखाई देता वैसे क्यों नहीं, और वो साउंड और ये सब चीज़ें मिला के और आप एक इफ़ेक्ट तो ला रहे हैं, इफ़ेक्ट ला रहे हैं लेकिन इफ़ेक्ट है कुछ भी नहीं, आपने जैसे ही देखा और बाहर निकला और आपके दिमाग से वो गायब हो गया। फिल्म हम देखते हैं, कभी भी कोई अच्छी फिल्म आप देखें और आप उसको भूलेंगे नहीं कभी भी, मैं तो ये सोचता हूँ, चाहे मैं ट्रेडिशनल थिंकिंग करता हूँ, और अगर आप बाहर निकलते ही आप भूल गए तो उसका कोई मतलब ही नहीं, अदरवाइज़ कोई अच्छी फिल्म देखें तो हर कोई बाहर निकलेगा तो अपने आप को हीरो समझता हुआ निकलेगा कि मैं भी ऐसा ही हूँ, लड़की जाएगी तो उसको लगेगा मैं भी हीरोइन ऐसी ही थी, ऐसी ही हूँ। तो कम से कम कोई भी वर्क ऑफ आर्ट आपको अगर ट्रांसफॉर्म नहीं करता, आपको चेंज नहीं कर सकता, आपको प्रोवोकेशन नहीं देता या थॉट प्रोवोकिंग नहीं हो तो आर्ट का कोई फंक्शन ही नहीं है, इधर से देखा इधर से आप भूल गए। तो मैं ये सोचता हूँ कि आर्ट हैज़ टू बी वेरी मच कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी के साथ, और प्लस इट बाइंड्स ह्यूमन बीइंग टू द ह्यूमन बीइंग। एक अच्छी पेंटिंग आप देखें, एक अच्छी फिल्म देखें, एक अच्छा म्यूजिक सुने, सबका सब क्राउड जब बाहर आ रहा होता है दे फील दे वन, वो उन्होंने भी वही फील किया, उन्होंने भी वो, तो इट बाइंड्स यू टुगेदर। और एक है कि आप सरफेस पर सब कुछ देख रहे हैं और उसका मज़ा ही कुछ नहीं आया। अच्छा, और दूसरा ये है कि एक तो ये, और दूसरी मैंने आज भी बात की, पहले भी मैं बात करता था, जैसे कि इंस्टॉलेशन आर्ट है, जैसे वीडियो आर्ट है, या आप कुछ भी ये करते हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत लोगों की होती है, एक की नहीं होती। स्कल्पचर भी आजकल करते हैं तो बड़े बड़े स्कल्पचर्स करेंगे, और उसके लिए आपके कंप्यूटर मैन एक अलग होगा कि वो कंसीव करे, आपके कारीगर अलग होंगे वो आपके अंदर काम करें, और बहुत बार तो ये होता है कि वो आर्टिस्ट ड्रॉ भी नहीं करता, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आइडिया अपने इंजीनियर को दे देगा कि भी ऐसा 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 मैं चाहता हूँ कि कुत्ता यहाँ से जाए, भौंकता 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 जाए और वहाँ से टकरा के और वापस आ जाए, सपोज इस तरह का कुछ स्कल्पचर, वो आइडिया दे देगा, वो इंजीनियर उसको कंसीव करेगा, वो अपना एक स्कल्पचर बुलाएगा, वो कुत्ते का बनाएगा और उसको वो सारा कुछ ये स्ट्रक्चर जो है वो करेंगे, और बाद में आपने सिर्फ देख लिया और अप्रूव कर दिया। या मैंने तो ये सुना कि कई बार जिस जो बनाता था उसने बताया था कि वो देखने भी नहीं आया, उसने आइडिया दे दिया मुझे और हमने ये बना के एंड जिस दिन एग्जीबिशन हुई उस दिन वहाँ पहुँचा दिया, एंड ही राइट्स हिज नेम, दिस इज़ माई स्कल्पचर, है ना। अच्छा, सो मतलब उसमें कोई हर्ज नहीं, मैं कहता हूँ कि आप कहिए कि आपने, लेकिन आप लिखिए उस पर कंसीव्ड बाई मी एंड प्रोड्यूस्ड बाई दिस 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 फ्रेम्ड बाई दिस। जैसे फिल्म में क्रेडिट्स मिलते हैं, आप क्यों नहीं क्रेडिट देते, क्रेडिट आप ले जाते हैं, ऐसे डायरेक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, और हमें वो अभी आदत ही नहीं पड़ी कि हम क्रेडिट्स तो दें। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे मैं फ्रेमिंग कराता हूँ, वो इतना अच्छा फ्रेम करता है, और जब फ्रेम करता है वो, मैं उसके साथ बैठता हूँ कि मेरी पेंटिंग को इस तरह का फ्रेम चाहिए, उसका पार्ट लगे, या उसका पार्ट नहीं लगना चाहिए लेकिन सस्पेंडेड हो, उसके साथ डिस्कस करूँ। वो बड़ा सेंसिटिव आदमी, आप जानते होंगे क्या, मिस्टर आहूजा दिल्ली में है, और बहुत बड़े बड़े म्यूजियम्स के और बड़े अच्छे अच्छे फ्रेम्स, बहुत सेंसिटिविटी से करता है वो आदमी काम, पूरा आर्टिस्ट की तरह से है। उसको जब बुलाएंगे, उसको मैं समझाता हूँ, फिर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब जब वो इतने, या मैं उसको नहीं भी समझाऊँ और वो मुझे सजेस्ट करके ऐसा, तो मेरी पेंटिंग में जो पेंटिंग बनी मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि ये फिनिश तब लगेगी अगर ये फ्रेम ऐसा हो जाए, और फ्रेम जब लगा तो मैं वाह, अब ये तो बात बन गई। आप क्रेडिट तो नहीं देते उसको, उसका पार्ट है, आपकी पेंटिंग एग्जीबिट हो रही है, अप्रिसिएट हो रही है, आपने बेची है, आपका नाम हो रहा है, वेरी सी कौन, तो आप कैटलॉग में कुछ लोग लिख देंगे फ्रेम्ड बाय सो एंड सो, फोटोग्राफ्ड बाय सो, चलो उतना, लेकिन पेंटिंग के पीछे जो आर्टिस्ट जो लोग कंप्यूटर पर कंसीव करवाते हैं, किसी उनको कंप्यूटर करना नहीं आता, कुछ भी नहीं,
कोई भी नहीं करेंगे, और फोटोग्राफर्स भी जो करेंगे फोटोग्राफी करके सीधा प्रिंटर के पास ले जाएंगे, वहीं बैठ के उसको कहेंगे इतना क्रॉप कर दो, इसको ज़रा सा डार्क कर दो, इसको लाइट कर दो, उनको कुछ नहीं पता। एंड तो अच्छा, लेकिन उसकी दूसरी तरफ मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे जैसे आदत है अपनी पेंटिंग करने की, मैं स्ट्रेचर ज़रूर बनवाता हूँ, क्योंकि वो मुझे बनाना नहीं आता, स्ट्रेचर बनवाता हूँ, लेकिन उसका कैनवस भी मैं खुद कसता हूँ, इतना बड़ा कैनवस भी है, वो मैं सारा खुद कसूँगा और उसके ऊपर लेयर्स मैं खुद लगाऊँगा, इतनी बड़े बड़े उस पर एरिया पर साथ साथ कोटिंग्स करना, इट्स नॉट ए जोक। और किसी की हेल्प नहीं मिले, हेल्प इसलिए नहीं लेता, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है, कोई भी बना दे, लेकिन मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं है कि वो इतना कस देगा अच्छी तरह से कि वो बिल्कुल स्प्रिंग क्वालिटी उसमें आए। तो मेरे हाथ का कसा हुआ कैनवस, मेरे हाथ का पेंट किया हुआ, तो जब सामने आता है तो वो अपने आप ही मुझे कहता है पेंट करो, कुछ करो, तो इमोशनली यू आर चार्ज्ड। और एक है कि आप बना बनाया ले आए और कर दिया, आपने उसको कह दिया ये मेरा आइडिया कंप्यूटर पर, ये जरा कर दो, उसने कर दिया, उसने कहा कि तुम ड्रॉ कर दो, उसको प्रोजेक्ट करके उसने ड्रॉ कर दिया, दूसरे को कह दिया कि कलर भी तुम कर दो, और उसके बाद आप अपना नीचे साइन कर देते कंसीव्ड बाय ग्रेट आर्टिस्ट। हाँ जी, तो कंसीव करना, तो हमारे कोई भी इंटेलेक्चुअल है, कोई भी ज़रा सा भी जानता होगा किसी आइडियाज़ को, हर कोई आदमी इमेजिनेटिव है, सिर्फ ये कि उनको स्किल नहीं है उनमें अंदर, वो ड्रॉ नहीं कर सकते, वो पेंट नहीं कर सकते, स्कल्प्ट नहीं कर सकते, आइडियाज़ किसके पास नहीं है। आप सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं, दुनिया की सब कुछ चीज़ें आपने देखी हैं, और आप कहें किसी को कहिए कि भाई ऐसे ऐसे मेरा आइडिया, आप एक स्टोरी लिख दो या एक नॉवल लिख दो, आप आइडिया आपने दे दे, देखो भाई ये ऐसा है, अब वही उसके डायलॉग्स लिख के वही सबको आप कह के नॉवल मेरा, तो इट्स नॉट फेयर। तो इसलिए अगर आप करवाते भी हैं, आप कहें कि हाँ डायरेक्टर इज़ द मेन थिंग इन फिल्म, एक अच्छी फिल्म के लिए डायरेक्टर ही की फिल्म जो है उसमें उनका भी एक झगड़ा होता है, ये फिल्म किसकी है, प्रोड्यूसर की है कि डायरेक्टर की है कि एक्टर की है, लेकिन सारे क्रेडिट तो एक्टर्स को चले जाते हैं क्योंकि विजुअली वो सामने आता है, लेकिन चलो फिर भी जो डायरेक्टर है वो कहेगा मैं डायरेक्टर हूँ, ये है, लेकिन पीछे क्रेडिट्स तो आते हैं। कम से कम ये ईमानदारी तो है ना कि ठीक है आप आप माहिर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप माहिर हैं, आप कंसीव करते हैं पेंटिंग को, बट देन गिव क्रेडिट। लेकिन ये है कि आप कुछ भी कर लो, आर्ट हैज़ टू बी रियली वेरी क्लोज टू ह्यूमन माइंड एंड क्लोज टू ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑल दैट। So, sir, thank you very much for your wonderful presentation. नहीं नहीं कुछ भी नहीं, क्या जी सर, एंड वेरी इंस्पायरिंग। और सबसे बड़ी बात है सर, आपने नहीं, आपने सर मुझे सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट चाहिए, मैं फिर से। हाँ जी सर, आपने सर डेप्थ में जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बड़ी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आपने बातें की, और हम सबको सुन के बड़ा मज़ा आया, और काफ़ी टाइम के बाद इस तरह वाला इंटरेक्शन हुआ है जो जिसमें स्लाइड में कम टाइम और इंटरेक्शन में ज़्यादा टाइम हुआ है। और मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई कि चंडीगढ़ ने आपकी साइलेंस ब्रेक की है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि मैं बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे बाहर जाना वाना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारी सेटिस्फेक्शन आपको अपने स्टूडियो में मिल जाती है, इतना काम करते हैं मज़ा इतना मिल जाता है, तो बाहर क्या रखा है। बल्कि मेरी बड़ी मुसीबत हो जाती है अगर कोई बाहर इनविटेशन आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए, तो बड़ी मुसीबत है उसकी। तो मैं अगर यहाँ नहीं आता था, वो सेल्फिश रीज़न ही है कि मैं अपने मज़े में भैया काम कर रहा हूँ, मुझे स्टूडियो में तुम मुझे यहाँ स्टेज पर खड़ा कर दोगे जिसने कभी बोला नहीं, और मैं तो कहीं पर भी जाऊँ किसी शो में, और मैंने ज़िंदगी में कभी किसी की एग्जीबिशन को ओपनिंग नहीं की। अच्छा, मुझे वो स्टेज एक पसंद भी नहीं, या तो ना मुझे बोलना आता है ना मैं स्टेज पर आकर अपने आप को प्रोजेक्ट करूं। सो एक सिंपल वे में जब आप रह रहे हैं, इंट्रोवर्ट हैं, आप अपना क्रिएट कर रहे हैं या क्रिएट करूं कि मैं अपना पब्लिसिटी और इन चीज़ों में पढूं, तो एनर्जी वही है, उसी थॉट्स को आप जहाँ मर्जी लगा दो, तो वो मेरी आदत एक बन गई है। और इसलिए भी कॉम्प्लेक्स है कि मुझे बोलना नहीं आता, ना लैंग्वेज, ना इंग्लिश आती, ना हिंदी, ना सीधी उर्दू, तो मिक्स, न पंजाबी भी नहीं आते, तो वो थोड़ा थोड़ा मिलाकर बोल, तो क्या बोलूँ किसी के सामने। तो और मेरा ये बिलीव है कि जैसे मैं टीवी देखता हूँ, मैं कई बार वसुंधरा से भी बात करता हूँ कि कई भद्दे भद्दे चेहरे कैसे आ जाते हैं उसमें, मैं तो देख नहीं सकता उनको, कोई मिनिस्टर हो चाहे कोई और हो और वहाँ बोल रहा हो, इंटरव्यू दे रहा हो, ये सारा विजुअल इफेक्ट है, इट्स नॉट जस्ट थॉट, जस्ट स्पीच, आपके शक्ल ही भद्दी है और आप आ रहे हो, हज़ारों लोग देखते हैं। तो मैं कभी भी टीवी में नहीं जाता, कभी मुझे को बुलाया, दो रीज़न से नहीं जाता, एक तो मेरा थोड़ा
शक्कर और दूसरा बोलना आता नहीं भी किस लिए. तो मैं अपने को लिमिट में रखता हूँ कि जो आता है मैं वो दिखा सकता हूँ, जो नहीं आता वो मैं नहीं दिखा सकता. मैं इसलिए स्टेज पर नहीं जा सकता और मैं वो काटूँगा ना, मेरे जैसा आदमी रो पड़ता है. देखा नहीं आपने, रोना निकला. तो वो सारी चीज़ें हैं कि मैं अपना एक टाइम भी बचता है. अगर आप एक जगह किसी की ओपनिंग में चले जाएं तो बस फिर कभी कोई और कभी और, वो देखते हैं ना इसकी एज हो गई अब किस काम का आदमी है ये, तो ओपनिंग ये करवाओ. तो कुछ चीज़ें मैंने बहुत यंग एज में सीख ली थी. ये मैं ऑफ द पॉइंट ऐसे जा रहा हूँ कि एक किसी की ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी नहीं बनूंगा, चेयरमैन नहीं बनूंगा, एक ऑफिस का काम नहीं संभालना मैंने, और एक मैंने उद्घाटन नहीं करने किसी के, है ना, और स्टेज पर नहीं. वो मेरा कॉम्प्लेक्स है, मेरे से बोला नहीं जाता बाबा. अच्छा ये अलग बात है कि मुझे आदत है स्टूडेंट्स के साथ बात करने की. तो मैंने इनको ये कहा था कि भाई मुझे ऊपर मत बिठा करना, मैं सामने बैठ के बात करूँगा तब मैं कर सकता हूँ, और लेक्चर नहीं दे सकता, क्वेश्चन आंसर्स मैं दे सकता हूँ. तो वो सर ईजी हो जाता, बड़ा एक सरल और बड़ा ही पर्सनल सा ये रहता है. तो मैंने वो कहा था. तो इस तरह से मैंने जो सीखा अपने एक ऑर्गेनाइजेशन का, पहले मैं सेक्रेटरी था, फिर उसके बाद उस बड़ी यंग एज में 24 साल की एज में दिल्ली शिल्पी चक्र, आपने कईयों ने सुना होगा, दिल्ली के बहुत बड़ी शुरू की ऑर्गेनाइजेशन थी आर्ट की, जहाँ सब मास्टर्स जो वहाँ से निकले थे. तो जब मैं पास होकर निकला मैं भी सेक्रेटरी बन गया. फिर मेरा काम देखते देखते मुझे चेयरमैन भी बना दिया, और मेरे जैसा आदमी बिल्कुल ऐसे कि भाग दौड़ के अपने पैसे लगा के, और आप जा रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, टैक्सी का खर्चा नहीं करने देंगे ताकि उसके पास पैसा नहीं है, सोसाइटी के पास मैं पैदल जाऊँगा, पैदल आऊँगा अपने कॉलेज से, और सारा काम करना. और जब इतना टाइम हो गया फिर मैंने सोचा कि मेरी टीचिंग छोड़ के आता हूँ, उधर से पेंटिंग भी छोड़ के आता हूँ, और इधर से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, और फिर तो ये हो क्या रहा है. मैं आर्टिस्ट तो डिसाइड करना पड़ा कि मैं आर्टिस्ट हूँ कि टीचर हूँ कि मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ. तो मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मैं कभी सेक्रेटरी या चेयरमैन मैं नहीं बनने जा रहा, और मैं उसके बाद कभी बना भी नहीं, कभी नहीं बना. किसी ने कभी ऑफर भी आए तो नहीं किया. तो मैंने वो स्किल नहीं, स्किल है क्योंकि ऑनेस्टली जब मैं काम करूँगा तो मैं तो उनके पैसे बचाऊँगा सोसाइटी के, खाने की जगह मैं तो ये करूँगा. अच्छा जी, फिर मैंने जब रिज़ाइन कर दिया तो एक और आर्टिस्ट वो बन गए उसकी जगह. वो आए, उन्होंने देखा अच्छा पैसा तो इतना जगह जमा हो गया, तो ये पेंट कराओ वो पेंट कराओ, छत को बिल्कुल काला कर दो ताकि एकदम लगे कि स्पेस है, और ये वो कर करा के उसने 15 दिन के अंदर जो हमने जमा किया था उस सोसाइटी के लिए कि बिल्स दे दिया करेंगे, वो सब कर दिए. अब वो आपका सारा वेस्ट किया. मैंने कहा किया ही क्यों. तो उसके बाद मैंने सोचा कि आई एम टीचर एंड ए पेंटर, दैट्स एनफ. तो वो टीचर बनने से बोलने की थोड़ी आदत हो गई है, क्योंकि फ्रेंडलीनेस हो जाती है, फ्रेंड्स के साथ हम खूब बात कर सकते हैं. लेक्चर देना तो रिलेशनशिप ही नहीं बैठता, तो आवाज़ कहाँ से निकलेगी. तो उनके साथ जब आदत इतनी हो गई, इसलिए जब बोलना शुरू करता हूँ तो देखो कैसे बोलना चाहिए. इसका मतलब मैं आपके बहुत क्लोज आ गया. अब मैं बोल सकता हूँ. Ladies and gentlemen, that was artist Rameshwar Broota speaking from the heart for the heart. Thank you so much, sir. Moving on, I now request our chief guest, Sri D.N. Goswamiji, to kindly share his views about the event. Okay, we had a most stimulating evening. And I'm grateful that I was asked to come here. Go, I've not taken a leaf out of his book. कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं चीफ गेस्ट नहीं बनूँगा. तो मुझे सोचना चाहिए था. बहरहाल कहा जाता है कि works of art are reminders. और बड़ी अच्छी बात है, इसमें गहराई है इस स्टेटमेंट के अंदर कि works of art are reminders. जब आप देख रहे हैं किसी चीज़ को तो क्या आपके जहन में गुजर रहा है, कौन सी इमेजेस उभर रही हैं, कौन से ख्याल आपको आ रहे हैं, कोई पोइट्री आपको याद आ रही है, कोई तस्वीर आपने देखी है, तो इट इज़ ए स्टिमुलेंट.
एक शिकायत मैं इनसे करूंगा, मैं इनको ब्रूटा नहीं कहूंगा, लगता है खतरनाक से आदमी है। रामेश्वर से इनसे शिकायत ये है कि इन्होंने हमें मिसलीड किया है, कहा कि मुझे बोलना नहीं आता। तो इज वन ऑफ द मोस्ट एलोक्वेंट प्रेजेंटेशन दैट आई हैव बीन टू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। देखिए यूँ है कि मैंने तीन चीज़ें ऑब्जर्व की। एक तो जब ये शुरू में स्लाइड दिखाई जा रही थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, एब्सोल्युटली पिन ड्रॉप साइलेंस इन द एंटायर हॉल, और बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है कि यू आर सो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन वॉचिंग और यू आर अनअवेयर ऑफ टाइम पासिंग। इतनी पावर है काम के अंदर कि कोई आवाज़ मुझे तो कम से कम, खैर मेरी सुनने की थोड़ी ताकत भी कम हो चुकी है, लेकिन मुझे कोई आवाज़ नहीं, कोई खांसी नहीं सुनाई दी मुझे किसी किस्म की। और दूसरी चीज़ मैंने जो ऑब्ज़र्व की जब ये बोल रहे थे कि जब ये स्लाइड चल रही, नहीं बोल नहीं रहे थे, देख रहे थे, स्लाइड चल रही थी तो ये थोड़ी सी इनके चेहरे पर एब्जॉर्प्शन तो थी, लेकिन थोड़ी हैरानी भी थी कि ये भी किया मैंने, ये भी किया मैंने, मुझे याद नहीं है, ये कब की बात है, मुझे कुछ याद नहीं है। यू आर रीलिविंग दिस एक्सपीरियंस, इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस, नॉट नेसेसरली अ क्रिएटर ऑफ थिंग्स, एंड दैट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग। और तीसरी बात जो मैंने ऑब्जर्व की कि आपने भी देखा होगा कि जब ये बोल रहे थे तो हाथों को इस तरह इस्तेमाल कर रहे जैसे कि पेंट कर रहे हैं हवा के अंदर, यूं 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 इस तरह करके, कभी इधर आ जा रहा है ऐसा करके। आई गॉट द सेंसेशन इज पेंटिंग इन स्पेस एंड दैट्स क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, क्योंकि अंदर जो है, जो इनके जो महसूस कर रहे थे वो जेस्चर्स की फॉर्म में निकल रहा था, एंड दैट इज़ व्हाट वन नीड्स टू पे अटेंशन टू। मैं अपना जिक्र करूं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। जब ये शुरू में स्लाइड जो इमेजेस आई हैं, तो एक तो जाहिर है कि टी.एस. एलियट का वी आर दी हेडलेस मैन, हेड पीसेज फिल्ड विद स्ट्रॉ, हॉलो मैन, ऐसा करके वो दिमाग में आता है, हेड पीसेज फिल्ड विद स्ट्रॉ लीनिंग टुगेदर। लेकिन मैं अपना ज़ाती तजुर्बा आपसे शेयर करूँ। बहुत साल पहले जब मैं पहले पढ़ाने गया था विदेश में, जर्मनी में गया था, माय फर्स्ट विजिट अब्रॉड, तो आई वाज इन कील, नॉर्थ जर्मनी में, श्लेज़विग होल्स्टाइन में। कभी मैं बाहर नहीं गया था, कुछ इल्म नहीं था दुनिया का। तो हम हाउस वेल्ट क्लब में रहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक शाम को हमें फिल्म दिखाई, फिल्म कॉल्ड नाइट एंड फॉग, आपने शायद सुना होगा उसका नाम। ये फ्रेज हिटलर की है, नाइट एंड फॉग। तो फिल्म कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के ऊपर थी, जर्मनी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जहाँ हो चुकी थी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का, वो खुद दिखा रहे थे, एक डच फिल्म मेकर ने दिखाई थी। चिलिंग, एब्सोल्युटली चिलिंग। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में किस तरह किसी ने खींची होंगी तस्वीरें, ये जो हड्डियों के ढांचे थे, जो आदमी चल रहे थे, चल नहीं रहे थे, खड़े थे मुश्किल से, सैकड़ों की तादाद में उस फिल्म में वो इमेजेस थी, सही लिविंग मैन एंड विमेन। और यानी कि जब वो गिर जाते थे, मर जाते थे, तो एक क्रेन आते थे, तो उनको एक डिचेस खड़ी बनाई होती थी, उसके अंदर धकेल के, चलो भाई ऊपर मिट्टी डाली, ख़त्म हुआ। एब्सोल्युटली चिलिंग। मुझे कुछ इल्म नहीं था इसका कि ये भी सुना था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में, सुना था कि इस तरह की ज्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन इस तरह की ज्यादती और इस स्केल के ऊपर बिल्कुल मेरी सोच से बाहर था। तो जब ये तस्वीरें मैं देख रहा था जो शुरू में इन्होंने दिखाई हैं, ये जो पीप पहती हुई इंसान बगलते हुए नासूरों से, जो फैसाब जैसे कहते हैं, जिस्म अमराज के निकले हुए तन्नूरों से, जैसे तंदूर में से मर्ज निकलता है, इस तरह की तस्वीरें जो थी वो हिला देती हैं आपको।
इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कॉन्ट्रास्ट देखिए वहाँ पे बैठे हैं जो जिनके फिर वो आया वही तोंद का बढ़ता हुआ सैलाब लिए जैसे फैज साहब कहते हैं, तो इस तरह के आदमी भी हैं और इस तरह की भूख भी है, इस तरह की गिलाजत भी है, इस तरह की एक सब ह्यूमन लेवल पे जीते हैं लोग। तो हर एक तस्वीर में एक कॉमेंट है। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की शुरू में, इन्होंने भी कहा कि आई वॉन्ट पेंट ओनली व्हेन आई वॉन्ट टू से समथिंग, तो उसमें सच्चाई है इस बात के अंदर। एक चीज़ और मैं कहूँगा, मैं पर्सनली शेयर कर रहा हूँ कि मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ ना किसी को, लेकिन कई मर्तबे जिस्म के अंदर दिमाग के अंदर इतना गुस्सा होता और इतनी हरारत होती है। फैज साहब का नाम आपने सुना होगा, शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, हलीम, बहुत बहुत ही हलीम, जिस तरह रामेश्वर हैं, यानी कि बिल्कुल, यानी कि एक सेल्फ डिनाइंग हेजिटेंट एक परसोना था उनका, और बहुत नरमी से बड़ी सख्त बात कहते थे, बहुत नरमी से कहते थे। मैं हैरान हो गया, उनका एक एक नज़्म पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि ये आदमी के अंदर ये भी है। वो कहते हैं हज़र करो मेरे तन से ये सम का दरिया, हज़र करो, अवॉइड मी मेरे तन से, ये सम का दरिया, पॉइजन का दरिया है मेरा दिल, मेरा जो जिस्म है, हज़र करो मेरे तन से ये सम का दरिया है, हज़र करो कि मेरा तन वो चोबे सहरा है, किसे जलाओ तो सहने चमन में दहकेंगे बजाए सर्वो समन मेरी हड्डियों के बबूल। बताइए, हज़र करो मेरे, मेरा तन वो चोबे सहरा है, डेजर्ट में उगता हुआ एक पेड़ है जो सूखा हुआ है, जिसे जलाओ तो सहने चमन में दहकेंगे बजाए सर्वो समन, फूल नहीं होंगे मेरी हड्डियों के बबूल जलेंगे, ऐसा करके। अक्सर ऐसे होता, वी आर कंप्लीटली टेकन अबैक कि इतना हलीम आदमी, इतनी मिठास से बातें करने वाला आदमी, इतनी सख्त बात भी कह सकता है। इनकी हलीमी, जो सख्त बात कहते हैं शुरू शुरू में, वो कॉन्ट्रास्ट जो है दैट इज क्वाइट रिमार्केबल, क्वाइट रिमार्केबल। लेकिन द पावर इनसाइड ऑफ हिम, द एंगर अगेंस्ट द वर्ल्ड एज इट इज, क्या कहूँ मैं, ये आई बीन वेरी मूव्ड बाय दीज इमेजेस। और जब चेंज आता है इनके स्टाइल में और एब्स्ट्रैक्शन एंटर करती है तो फिर वही शक्लें लौटती हैं, शक्लें तो नहीं, शक्लों के जिस्मों के हिस्से लौटते हैं, ऐसे लगता है कि कोई छील रहा है, पांव जो है पांव यहाँ तक आया उसके बाद छील दिया किसी ने और मशीन आगे आ गई या एक सिलेंडर में डाला गया, वो ऐसे करके शरियाने जो वेन्स हैं, यानी ऐसे लगता है कि बस सूखी के सूखी इस वक्त। ये पावर है, द पावर ऑफ आर्ट एंड ऑफ अ पर्सन हु बिलीव्स डीपली इन व्हाट ही इज सेइंग। आई एम वेरी ग्रेटफुल, thank you, we are all grateful that you were here, thank you very much. Thank you sir, it was definitely an evening filled with emotions, thank you sir. Had it not been for you we would not have been sitting here enjoying this lovely lovely Thursday. To thank you formally, I now request our chief guest, accompanied by Shri Bhim Malhotra, to kindly come up on the stage for the token of love and gratitude that we have for you. I now invite Shri Rameshwar Broota ji to kindly come up on the stage. Thanks, Sam. Now, a token of love for the flight beneath his wings. Ma'am, could we have you on stage, please?
I request you both to stay for the group picture. I now request Bhimalothraji to give a token of love to Sri B.N. Goswamiji. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Oh, yes. A good conversation followed by a warm cup of tea and I can sleep happy. We had a conversation, now please head for the warm cup of tea. Thank you so much.